अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, तो क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट पाट होंगे। तो आपको एक चीज़ दिखानी थी। मैं इस टाइम मौजूद हूँ रबात में। रबात का कि ये पुराना शाही किला है जिसमें मस्जिद भी है। लोग यहाँ पे इसको मस्जिद कहते हैं, लेकिन ये एक पुराना किला है जिसमें मस्जिद भी है, तो इसको मस्जिद शाही किला कहते हैं। मस्जिद भी है साथ, एक शाही किला भी है। और इस किले की स्टोरी, मतलब फोर्ट की जो स्टोरी है, वो मैं आपको सारी बताऊंगा, गाइड करूंगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, उसके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं विज़िट करवा दूं आपको इस फोर्ट के बारे में। आप क्या कह रहे थे? आप खुद को पता है इसकी हिस्ट्री? सर, हिस्ट्री देखिए, पढ़ने से बंदे को पता चलती है। कहाँ पढ़ो? और जब मैं खुद नहीं पढ़ूंगा तो मैं इनको क्या बताऊंगा? चलो, आप मुझे व्यूअर्स को मैं कुछ गलत तो बता नहीं सकता ना। जो इसकी हिस्ट्री है, जो लिखा है इसके बारे में जो लोगों ने, वो मैंने उस हवाले से बताना है, मुझे इल्हाम थोड़ी होगा। चलिए मैं फोर्ट दिखाता हूँ आपको। ये इसका मेन गेट है। काफ़ी रीन्यू कर दिया, पौधे वगैरह लगा के घास अच्छा निकल आया, वरना पहले थे इसको बहुत बुरे हालात थे। फिर यहाँ पे दरवाज़ा भी लग गया, मेरे ख्याल से अंदर जाना मन है, क्योंकि अंदर कब्र भी है किसी की, और वो कब्र बिल्कुल नीचे से, लास्ट टाइम मैंने देखा था तो कब्र की जगह तो थी नहीं, वो बिल्कुल प्लेन जगह थी। मुझे नहीं पता कब्र है नहीं है, या मुझे इसकी हिस्ट्री नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ सारी। ये देख रहे होंगे कि ये जगह बनी हुई है। ये असल में छोटे छोटे कमरे थे, ये रिहाइश गाह थी, ये छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। तो मेरे ख्याल से इनकी छत वगैरह है, कुछ की टूट चुकी है और ये रिन्यू हो रही है इन्हीं पत्थर, इन्हीं चीज़ों के साथ। तो यही है इसका ये मेन शाही गेट। पहले इसके दरवाजे वगैरह ओपन थे, भी हो चुके हैं बंद। ये मस्जिद का छोटा सा हिस्सा है, अंदर मस्जिद है। मेरे ख्याल से मस्जिद में अंदर जाके वीडियो बनाना मुनासिब भी नहीं है, और वैसे भी एतराज़ करेंगे यहाँ के लोग, क्यों मस्जिद में अंदर वीडियो बनाना अलाउ है? अलाउ क्या, बनाने नहीं चाहिए? वही ना, मुनासिब भी नहीं है, और दूसरा लोग बनाने भी नहीं देंगे। इसकी हिस्ट्री तो कहीं भी नहीं लिखी। मैं इस हवाले से थोड़ा बहुत गाइड खुद ही कर देता हूँ, जो मुझे पता है और जो मैंने पढ़ा है इस बारे में। इंटरनेट पर इसकी हिस्ट्री यही है थोड़ी बहुत, जो कि मुझे पता है, जो मैंने पढ़ा है। उस हवाले से इसकी हिस्ट्री ये है कि जो बड़े बड़े नवाब थे, जिनके बड़े बड़े लश्कर थे, वो बादशाह जो अपने लश्कर के साथ एक बड़े सफ़र से निकलते थे, सफ़र का आगाज़ करते थे। तो जैसे आजकल मोटरवे पे एक आरामगाह होती है, वैसे ही ये एक किला, ये एक उन बादशाहों की आरामगाह थी, जो आके इन छोटे छोटे कमरों में स्टे करते थे, रुकते थे रात। कमरे तुझे भी लग रहा है नहीं है, लेकिन मैं तुझे जाके अंदर से दिखाता हूँ, ये कमरे ही हैं। और इसका ये मेन दरवाज़ा है, और ये दूसरा दरवाज़ा है, और एक और वो दरवाज़ा है, ठीक है। और ये कमरे ही हैं, यहाँ पे इनकी आरामगाह थी, यहाँ पे अपना सामान रख के सब अपने अपने ऊंट घोड़े यहाँ पे रखते थे। अब ये आपको लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या है, ये कब्रें हैं, ठीक है। उधर भी कब्र है। किसकी कब्र है? सुल्तान पता नहीं क्या, देख लेते हैं जाके। तो बस ये एक स्टे करने की जगह थी बादशाहों की, वो यहाँ पे स्टे करते थे, और उसके बाद उनका आगे सफ़र आगाज़ होता था, आगे जाते थे जहाँ भी। आप वो अंदर से जाके देख आते हैं कि वो कैसी ये जगह। ऊपर जगह देखना, जैसे आसमान के ड्रामों में तीरंदाज खड़े होते हैं ना यार, ये ऐसे ही है ना ऊपर, ये वहाँ पे उनका झंडा लगा होता है। हाँ, सेम ही। अंदर चल के देखते हैं क्या सूरत हाल है, कैसी जगह है। अंदर तरबूजियाँ सरबूजियाँ ना हो अंदर। अंदर बस यही है, जो बात अंदर हो, ये छोटी छोटी जगह है यार। तुझे लग रहा है कि ये अंदर लैंप वगैरह रखने की भी जगह होती होंगी? हाय हाय, क्या है तबूड़ियाँ अंदर। ये तुझे क्या लगता है, ये क्या है? ये वाइट सीमेंट है, ये नहीं पत्थर, मतलब ये जो वाइट सीमेंट है ना, ये यहाँ यूज़ होता है यहाँ पे।
कार के ऊपर चक्का चेयर बैठे नकली लोग रखते हैं। ये उस स्टोर में ना ये डार्क शार्क डालने के लिए था और ये एक सुरंग बॉर्डर क्रॉस हुई कुछ है, ये चौकीदार बैठा ही वो भी पुराना शेरन शेर। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोल। तो बुढ़िया है यार, रवात एक अरबी जुबान का लफ्ज है। आके आप पढ़ लेना बेटा, तुमसे ना हो पाया। आगे आप पढ़ लेना, ये इसकी स्टोरी है। आप लोग सारे इसको वीडियो को पॉज करके सारी इसके हवाले से पढ़ सकते हो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो बाकी अहमद भाई अगर पढ़ के सुना सकते हैं इसके हवाले से, अगर मैं इसको पढ़ लेता और उसके बाद मैं आपको सारा गाइड कर सकता था, लेकिन मैं बस इसको शॉर्ट शॉर्ट ही कर रहा हूँ कवर। और ये इसका पूरा स्ट्रक्चर, मतलब इसका पूरा नक्शा नक्शा वही नक्शा मेरे ये कुछ लफ्ज़ है, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं पहाड़ी को मैं कई दफ़ा बिल्डिंग कह रहा हूँ। अच्छा हाँ देखा वही। अच्छा ठीक है सर, वाकई ठीक है। हमने जो बताया उसी दीवान के लाल दरबार की बिगड़ी हुई जगह है, दरबार के लगी मैंने कारवान सराय के हैं। मौजूद किला दर हकीकत एक कदीम कारवान सराय थे, जो कि जर्नीली रोड के साथ मुसाफरों की सहूलत या सराहकारी अफकारों के ठहरने के लिए बनाई गई थी। इसका फन तमीर इस बात की आमादी करता है कि यह किला नुमा सराय 15वीं सदी के ऑयल में सुल्तान दहली के ज़माने में तबीर हुई, लेकिन इस किले को सुल्तान महमूद गज़नी ने के बेटे मसूद के साथ भी मंसूब किया जाता है, जिसका ज़माना सुल्तान कबूस के चेले हैं वो जा रहे हैं। सही कहा है। इस लश्कर के बागी सिपाहियों ने इस किले में गिरफ्तार किया, किसको गिरफ्तार किया वो तो लिखा नहीं, सुल्तान को। बाद में टैक्सला के नज़दीक गढ़ी के किले में ले जाकर कत्ल कर दिया। यह किला बाद में गगड़ कबीले के सरदार सारंग खान के कब्जे में आया, जो कि अपने 16 बेटों के साथ शेरशाह सूरी ये तो किताबों में भी आता है, शेरशाह सूरी के हाथों कत्ल हुआ और इस किले में दफन किया गया। इसी किले में दफन किए वही सारंग खान। तुमने और क्या कह रहा था, शेरशाह सूरी नहीं है, शेरशाह सूरी ने सुल्तान कौन सा क्या नाम सारंग खान, वो उसके अंदर कब्र। हाँ किले में दाखिले के दरवाजे हैं, सदर दरवाजे का रुख मशरक़ की जानिब है जबकि अकबी दरवाजे शुमाल की तरफ खुलता है। फैसल के अंदर चारों अतराफ हिजरे बने हुए हैं, हिजरे चारों अतराफ। बाकी सही था, मतलब मैंने जो कुछ बताया कुछ बेहतर था, गलत तो नहीं ना किया ये हम बाद में पढ़ रहे हैं। अच्छा बात सुनो, कब्र अंदर कब्र ही नहीं की, वो तो वीडियो में दिखानी थी या नहीं दिखानी चाहिए, है तो अंदर ही। पहला मकबरा एक हस्त, पहला मकबरा एक मस्जिद, चंद कब्रें हैं। दोबारा से बता क्या ये हिस्ट्री जो पढ़ रहा था वो इसी यही है ना कि पहले, मतलब शॉर्ट इसकी स्टोरी क्या है वो तुझे अगर पता है तो। मेन यही है, बाट जिस हिसाब से मैंने पढ़ा उस हिसाब से इतना ही आता है कि पहले एक बेटे ने अपने बाप को मार के इससे कब्जा किया, उसको कहीं दफन किया, उसके बाद शेरशाह सूरी ने उस जो यहाँ का सुल्तान था सारंग। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये सुल्तान सारंग की कब्र ये है ना, वो इसका था, वो उस बंदे सुल्तान का था ये। हाँ, और सारंग खान को मारा शेरशाह सूरी ने और फिर उस शेरशाह सूरी ने यहाँ पे कब्जा किया, मतलब ये उसके बाद शेरशाह सूरी की हुकूमत में था। सुल्तान कौन था? सुल्तान सारंग खान था। तो शेरशाह सूरी कौन था? तू कौन है? मैं कौन हूँ? ये तुझे फिर हेरा फेरी अगर नहीं देखी तो जाके देखा, ये उसका डायलॉग है। सुल्तान सारंग खान कब्र के सामने खड़े हैं यार, सूरत फाते ही क्या दे रहा है बंदा। वो है ना उसके अंदर होंगी, क्योंकि देख वो जगह कैसी है। और मेरी बात सुन, उसको बंद कर दिया क्योंकि पहले लोग अंदर जाते थे और नीचे कब्र थी वो प्लेन हुई थी जगह, और वो बताते हैं कि कितना हमने खोद लिए नीचे कब्र भी नहीं मिली।
इस जगह को इधर के मुकामी लोग कहते हैं कि हमने कितनी दफा इसको सफाई करनी। अच्छा तो भाई फाइनली गाइस ये स्टोरी हो चुकी है इसकी एंड। तो इस हवाले से जो भी मुझे पता था मैंने आपको बताया, जो भी था विजिट करवाया, और मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। उम्मीद करूंगा आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। सुल्तान लाइक सुल्तान यार नहीं पढ़ने इसको एंड तो करने थे उस हवाले से हम पढ़ लेंगे सारा। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करूंगा आपको ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। माय इंग्लिश इज नॉट गुड बट आई होप यू अंडरस्टैंड। व्हाट ब्रो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मैन? ओके, अल्लाह बाय बाय।